फ्रेंड्स, यदि आपका स्टडी शेड्यूल गड़बड़ है तो स्ट्रेस तो होगा ही। चलो इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले एक स्टडी शेड्यूल बनाओ, अपना दिन प्लान करो और उस पर टिके रहो। टफ सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दो और कमज़ोर पॉइंट पर फोकस करो। अगला, सिर्फ रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझो। समझ में आता है तो याद रखना आसान होता है। अगर कहीं अटक जाओ तो अपने टीचर्स या फ्रेंड्स से पूछो। रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ा है उस पर बार बार जाओ। विथ रिव्यूज के लिए छोटे नोट्स बनाओ। सैम्पल पेपर्स और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आता है और स्पीड भी बढ़ती है। शॉर्ट ब्रेक्स लेना। याद रखना, बिना ब्रेक के पढ़ने से दिमाग थक जाता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना। अच्छी नींद लो, सही खाना और एक्सरसाइज करो। फिट बॉडी से दिमाग भी तेज रहता है। पॉजिटिव रहो और खुद पर भरोसा रखो। कॉन्फिडेंस तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। और आखिर में, अगर ग्रुप स्टडी से आपको फ़ायदा होता है वो भी ट्राई करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और नए आइडियाज़ ढूंढो। बस ध्यान रखो कि वो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव हो। इन टिप्स को फॉलो करो और तुम अपने बोर्ड एग्ज़ाम को रॉक करने के लिए तैयार हो। गुड लक।